हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 7 वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट के क्वेश्चंस एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, नेम द एलिमेंट्स दैट डिटरमिन द वेदर ऑफ अ प्लेस। हमें उन एलिमेंट्स के नाम बताने हैं जिनसे किसी जगह का वेदर बनता है। तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड आर द एलिमेंट्स ऑफ द वेदर। यानी कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड वेदर के एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि इन्हीं सबसे वेदर बनता है। अब हम सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन में हमें दिया गया है, वेन आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स लाइकली टू अकर ड्यूरिंग द डे। यानी के दिन के दौरान मैक्सिमम टेम्परेचर कब होता है और मिनिमम टेम्परेचर कब होता है। तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स, द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे अकर्स जनरली इन द आफ्टरनून वाइल द मिनिमम टेम्परेचर अकर्स जनरली इन द अर्ली मॉर्निंग। यानी के मैक्सिमम टेम्परेचर जनरली आफ्टरनून यानी के दोपहर के समय होता है और मिनिमम टेम्परेचर जनरली अर्ली मॉर्निंग यानी सुबह के समय होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, फिल इन द ब्लैंक्स। इस क्वेश्चन में हमें ब्लैंक स्पेस को फिल करना है। फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया स्टूडेंट्स, द एवरेज वेदर टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड डैश। यानी कि जब हम एवरेज वेदर को एक लंबे समय के लिए देखते हैं तो इसे क्या कहते हैं। हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि जब हम लंबे समय के लिए एवरेज वेदर पैटर्न को चेक करते हैं तो इसे क्लाइमेट कहते हैं। तो यहां पर आप लिखेंगे क्लाइमेट। सेकेंड पार्ट में हमें दिया गया है, अ प्लेस रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल एंड द टेम्परेचर इज हाई थ्रू आउट द ईयर। द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस विल बी डैश एंड डैश। तो यहां पर ऐसी जगह की बात की गई है स्टूडेंट्स जहां पर बारिश भी बहुत कम होती है और पूरे साल टेम्परेचर भी हाई रहता है। तो ऐसी जगह का क्लाइमेट कैसा होगा, हॉट एंड ड्राई। तो यहां पर आप लिखेंगे हॉट और यहां पर लिखिएगा ड्राई। थर्ड पार्ट में हमें दिया गया है, द टू रीजन्स ऑफ द अर्थ विद एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस आर डैश एंड डैश। यानी कि हमें अर्थ के ऐसे दो रीजन्स यहाँ पर बताने हैं जहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस एक्सट्रीम होती है यानी बहुत मुश्किल होती है रहने के लिए। तो इसके लिए सही आंसर है पोलर रीजन एंड डेजर्ट। यहाँ पर आप लिखिएगा पोलर रीजन और यहाँ पर डेजर्ट। हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि पोलर रीजन्स बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं और ये रहने के लिए बहुत मुश्किल होते हैं, और डेजर्ट्स बहुत ज़्यादा गर्म और बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं, यहाँ पर भी रहना बहुत मुश्किल होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, इंडिकेट द टाइप ऑफ क्लाइमेट ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। इस क्वेश्चन में हमें कुछ एरियाज दिए गए हैं, कुछ जगहों के नाम दिए गए हैं स्टूडेंट्स। हमें बताना है उन एरियाज का क्लाइमेट कैसा होता है। ए पार्ट में हमें दिया गया स्टूडेंट्स, जम्मू एंड कश्मीर। हमें बताना है जम्मू एंड कश्मीर का क्लाइमेट कैसा होता है। तो इसका आंसर है मॉडरेटरी हॉट एंड मॉडरेटरी वेट क्लाइमेट फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर, एक्सट्रीमली कोल्ड इन विंटर। यानी के साल के ज्यादातर समय यहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर रहता है और नॉर्मल बारिश होती है, लेकिन विंटर में यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है। बी पार्ट में हमें दिया गया स्टूडेंट्स केरला। हमें केरला का क्लाइमेट बताना है। हम जानते हैं स्टूडेंट्स के केरला में टेम्परेचर भी ज्यादा रहता है और बारिश भी बहुत ज्यादा होती है। तो केरला का क्लाइमेट कैसा होगा, हॉट एंड वेट। सी पार्ट में हमें दिया गया है राजस्थान। हमें बताना है राजस्थान का क्लाइमेट कैसा होता है। हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि राजस्थान में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है और बारिश बहुत कम होती है। तो राजस्थान का टेम्परेचर कैसा होता है, हॉट एंड ड्राई। डी पार्ट में हमें दिया गया है नॉर्थ ईस्ट इंडिया। इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है स्टूडेंट्स, हमें यहाँ का क्लाइमेट बताना है। तो याद रखिएगा, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में पूरे साल बहुत बारिश होती है, तो यहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है, वेट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा गया है,
विच ऑफ द टू चेंजेस फ्रिक्वेंटली, वेदर और क्लाइमेट? इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है स्टूडेंट्स कि कौन ज़्यादा जल्दी चेंज होता है, वेदर या क्लाइमेट। तो याद रखिएगा कि वेदर शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, तो वेदर जल्दी चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि अभी तेज बारिश हो रही है, तो आप क्या कहेंगे कि वेदर कैसा है? वेदर रेनी है। और थोड़ी देर के बाद बारिश रुक जाती है और तेज धूप निकल आती है, तब आप क्या कहते हैं कि वेदर हॉट है। इसका मतलब वेदर तेजी से बदलता है, जबकि क्लाइमेट इतनी जल्दी नहीं बदलता। अब हम क्वेश्चन नंबर सिक्स करेंगे। सिक्स क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, फॉलोइंग आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स। यहां पर हमें एनिमल्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं, जैसे कि डाइट्स हैवी ऑन फ्रूट्स, वाइट फर, नीड टू माइग्रेट, लाउड वॉइस, स्टिकी पैड्स ऑन फीट, लेयर ऑफ फैट अंडर स्किन, वाइड एंड लार्ज पॉज, ब्राइट कलर्स, स्ट्रॉन्ग टेल्स, लॉन्ग एंड लार्ज बीक। इसके बाद हमसे कहा गया है, फॉर ईच करेक्टरिस्टिक इंडिकेट वेदर इट इज एडेप्टेशन फॉर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और पोलर रीजन्स। यानी कि हमें ये बताना है स्टूडेंट्स कि इन करेक्टरिस्टिक्स में से कौन सी करेक्टरिस्टिक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहने के लिए काम आती है और कौन सी करेक्टरिस्टिक पोलर रीजन में रहने के लिए काम आती है। तो पहले हम देखेंगे कि कौन सी करेक्टरिस्टिक्स ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहने के लिए काम आती है। तो इसमें सबसे पहले है डाइट्स हैवी ऑन फ्रूट्स, और उसके बाद है लाउड वॉयस, और उसके बाद है स्टिकी पैड्स ऑन फीट, नेक्स्ट है ब्राइट कलर्स, उसके बाद है स्ट्रॉन्ग टेल्स, और नेक्स्ट है लॉन्ग एंड लार्ज बीक। ये सभी करेक्टरिस्टिक्स जो भी हमने यहाँ पर देखी है स्टूडेंट्स, ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहने वाले एनिमल्स में पाई जाती हैं। अब हम वो करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे जो पोलर रीजन्स में रहने के लिए काम आती है। तो ये करेक्टरिस्टिक्स हैं वाइट फर, नीड टू माइग्रेट, लेयर ऑफ फैट अंडर स्किन एंड वाइड एंड लार्ज पोज। ये सभी करेक्टरिस्टिक्स जो भी हमने यहाँ पर देखी स्टूडेंट्स, ये सभी करेक्टरिस्टिक्स पोलर रीजन में रहने वाले एनिमल्स में पाई जाती है और ये पोलर रीजन में रहने के लिए उनके काम आती हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर सेवन देखेंगे। सेवेंथ क्वेश्चन में हमें दिया गया है, द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैज अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स, एक्सप्लेन व्हाई इट इज सो। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बहुत बड़ी संख्या में एनिमल्स रहते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो इसका आंसर है, बिकॉज ऑफ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट सपोर्ट्स वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल्स। यानी कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का जो क्लाइमेट होता है स्टूडेंट्स, वो हॉट एंड ह्यूमिड होता है, जो सपोर्ट करता है एनिमल्स को यहाँ रहने के लिए। यानी हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट एनिमल्स के लिए अच्छा होता है, इसलिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बहुत बड़ी संख्या में एनिमल्स पाए जाते हैं। अब हम एट्थ क्वेश्चन देखेंगे। एट्थ क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स वाई वी फाइंड एनिमल्स ऑफ सर्टेन काइंड लिविंग इन पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशंस। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस में हमें अलग अलग तरह के एनिमल्स क्यों मिलते हैं? तो इसका आंसर है, एनिमल्स आर अडेप्टेड टू सर्वाइव इन द कंडीशंस इन विच दे लिव। यानी कि एनिमल्स जिस जगह पर रहते हैं, वो उस जगह के क्लाइमेट के अनुसार, उस जगह के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट कर लेते हैं। यानी कि जो एनिमल्स हॉट प्लेसेस पर रहते हैं, वो गर्मी के हिसाब से खुद को अडेप्ट करते हैं, और जो एनिमल्स कूल प्लेसेस पर रहते हैं, ठंडी जगहों पर रहते हैं, वो ठंड के हिसाब से खुद को अडेप्ट करते हैं। फीचर्स एंड हैबिट्स विच हेल्प देम टू अडेप्ट टू दियर सराउंडिंग्स आर द रिजल्ट ऑफ एवोल्यूशन। और जो फीचर्स और हैबिट्स एनिमल्स में आती हैं किसी जगह के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट करने के लिए, ये फीचर्स और ये हैबिट्स रिजल्ट होती है एवोल्यूशन का। यानी ये फीचर्स और हैबिट्स एवोल्यूशन की वजह से बनती हैं, और एवोल्यूशन एक धीमा और लंबा प्रोसेस होता है स्टूडेंट्स, जिसमें किसी एनिमल की बॉडी में चेंजेस आते हैं ताकि वो किसी जगह के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट कर सके। सो टू सर्वाइव इन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लाइमेट द एनिमल्स मस्ट हैव सर्टेन अडेप्टेड फीचर्स।
इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि किसी जगह पर वहाँ के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग रहने के लिए एनिमल्स में कुछ स्पेशल फीचर्स का होना जरूरी होता है जिससे वो अपने आप को उस जगह पर रहने के लिए अडेप्ट कर सके। दिस इज द रीजन वी फाइंड एनिमल्स ऑफ सर्टेन काइंड लिविंग इन पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशंस। यही रीजन है स्टूडेंट्स कि अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस में हमें अलग अलग टाइप के एनिमल्स मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एनिमल्स इन द पोलर रीजन आर अडेप्टेड टू द एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट, यानी के पोलर रीजन में रहने वाले एनिमल्स ने पोलर रीजन के एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट के अकॉर्डिंग यानी जबरदस्त ठंडे क्लाइमेट के अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट कर लिया है। दे हैव स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स सच एज वाइट फर, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, अ लेयर ऑफ फैट अंडर स्किन, वाइड एंड लार्ज पॉज फॉर स्विमिंग एंड वॉकिंग इन स्नो। यहाँ पर आपको ये बताया गया स्टूडेंट्स कि पोलर रीजन में रहने वाले एनिमल्स के अंदर ऐसी क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है, ऐसी क्या विशेषताएं होती हैं जो उन्हें वहाँ रहने के लिए हेल्प करती है। देखिए, उनके व्हाइट फर होते हैं यानी कि व्हाइट कलर के बाल होते हैं, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होती है, सूंघने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, अ लेयर ऑफ फैट अंडर स्किन, उनकी स्किन के नीचे बहुत सारा फैट होता है जो उन्हें गर्म रखता है, वाइड एंड लार्ज पोज फॉर स्विमिंग एंड वॉकिंग इन स्नो, यानी कि उनके चौड़े और बड़े पंजे होते हैं जो उन्हें स्विमिंग करने में और बर्फ पर चलने में मदद करते हैं। अब हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि पोलर रीजन में रहने वाले एनिमल्स में ये सारी क्वालिटीज हमें नजर आती हैं। ऐसे ही हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में रहने वाले एनिमल्स में अलग क्वालिटीज होती हैं। यही रीजन है कि अलग अलग क्लाइमेट में हमें अलग अलग तरह के एनिमल्स मिलते हैं। अब हम नाइन्थ क्वेश्चन देखेंगे। नाइन्थ क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, हाउ डू एलिफेंट लिविंग इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अडेप्ट इट्सेल्फ, यानी कि हमें ये बताना है स्टूडेंट्स कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहने के लिए एलिफेंट खुद को कैसे अडेप्ट करता है। तो इसका आंसर है, द एलिफेंट हैज अडेप्टेड टू द कंडीशंस ऑफ रेन फॉरेस्ट इन मैनी रिमार्केबल वेज। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि रेन फॉरेस्ट में रहने के लिए एलिफेंट ने खुद को बहुत अच्छी तरह से अडेप्ट कर लिया है। इट यूजेस द ट्रंक एज अ नोज बिकॉज ऑफ विच इट हैज अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, यानी कि एलिफेंट अपनी ट्रंक यानी कि सूंड को नोज की तरह इस्तेमाल करता है जिससे उसकी सेंस ऑफ स्मेल बहुत स्ट्रांग होती है। द ट्रंक इज ऑल्सो यूज बाय इट फॉर पिकिंग अप फूड, यानी कि एलिफेंट ट्रंक का इस्तेमाल यानी अपनी सूंड का इस्तेमाल फूड को पिक करने के लिए भी करते हैं यानी खाना हासिल करने के लिए भी करते हैं। मोर ओवर इट्स टस्क आर मॉडिफाइड टीथ। आपने एलिफेंट के टीथ देखे होंगे स्टूडेंट्स जो बाहर की तरफ निकले होते हैं। एलिफेंट्स के जो टीथ होते हैं उन्हें हम टस्क कहते हैं। दीज कैन टेयर द बार्क ऑफ ट्रीज दैट एलिफेंट लव्स टू ईट। अपने टस्क की मदद से एलिफेंट्स ट्रीज की जो बार्क होती है उसको काट देते हैं या फाड़ देते हैं जिसे खाना एलिफेंट्स बहुत पसंद करते हैं। सो द एलिफेंट इज एबल टू हैंडल द कॉम्पिटिशन फॉर फूड रेदर वेल, यानी कि रेन फॉरेस्ट में जो फूड के लिए कॉम्पिटिशन होता है स्टूडेंट्स एलिफेंट उसको इजिली हैंडल कर लेता है क्योंकि एलिफेंट की हाइट भी ज्यादा होती है तो फूड कॉम्पिटिशन से एलिफेंट को कोई खास दिक्कत नहीं होती। लार्ज ईयर्स ऑफ द एलिफेंट हेल्प इट टू हेयर इवन वेरी सॉफ्ट साउंड्स। एलिफेंट के कान बहुत बड़े होते हैं स्टूडेंट्स जिससे एलिफेंट के सुनने की शक्ति काफी ज्यादा होती है और ये हल्की आवाज को भी आसानी से सुन सकता है। दे ऑल्सो हेल्प द एलिफेंट टू कीप कूल इन द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ द रेन फॉरेस्ट, यानी कि एलिफेंट के बड़े कान रेन फॉरेस्ट के हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में भी एलिफेंट को कूल रहने में यानी ठंडा रहने में मदद करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा स्टूडेंट्स वो कौन कौन से फीचर्स हैं, वो कौन कौन सी क्वालिटीज हैं जिसकी वजह से एलिफेंट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आसानी से रह सकता है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमें जो अगले तीन क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12, इनमें हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन विच आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे कहा गया है,
A carnivore with stripes on its body moves very fast while catching its prey. कार्निवोर जो कि मांसाहारी एनिमल्स होते हैं, इनके शरीर के ऊपर धारियां होती हैं और ये बहुत तेजी से मूव करते हैं जब ये अपने शिकार को पकड़ने जाते हैं. इट इज लाइकली टू बी फाउंड इन, तो जिस एनिमल की बात यहाँ पर की गई है, ये एनिमल हमें कहाँ मिलता है? हमें यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं स्टूडेंट्स. फर्स्ट ऑप्शन है पोलर रीजन, सेकेंड ऑप्शन है डेजर्ट्स, थर्ड ऑप्शन है ओशंस और फोर्थ ऑप्शन है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स. तो यहाँ पर जिस एनिमल के बारे में हमें बताया गया स्टूडेंट्स, वो कार्निवोर है और उसकी बॉडी पर स्ट्राइप्स है यानी कि धारियां हैं और वो बहुत तेजी से मूव करता है अपने शिकार के पीछे. तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर लायन या टाइगर जैसे एनिमल की बात की गई है. और लायन और टाइगर हमें कहाँ पर मिलते हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स में मिलते हैं. तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन फोर, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स. अब हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे. 11th क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, विच फीचर्स एडेप्ट पोलर बियर्स टू लिव इन एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट. यानी कि हमें वो फीचर्स बताने हैं स्टूडेंट्स जिसकी वजह से पोलर बियर एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट यानी कि बहुत ठंडे क्लाइमेट में भी आसानी से एडेप्ट कर लेता है. फर्स्ट ऑप्शन है अ वाइट फर, फैट बिलो स्किन, कीन सेंस ऑफ स्मेल. सेकेंड ऑप्शन है थिन स्किन, लार्ज आइज, अ वाइट फर. थर्ड ऑप्शन है अ लॉन्ग टेल, स्ट्रॉन्ग क्लोज, वाइट लार्ज पोज. फोर्थ ऑप्शन है वाइट बॉडी, पोज फॉर स्विमिंग, गिल्स फॉर रेस्पिरेशन. तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में हमें जो फीचर्स दिए गए हैं वो सभी फीचर्स पोलर बियर की हेल्प करते हैं एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट में अडेप्ट करने के लिए. तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है अ वाइट फर, फैट बिलो स्किन, कीन सेंस ऑफ स्मेल. अब हम 12th क्वेश्चन करेंगे. 12th क्वेश्चन में हमें दिया गया स्टूडेंट्स, विच ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब्स अ ट्रॉपिकल रीजन. यहाँ पर हमें ये बताना है स्टूडेंट्स कि जो ऑप्शन हमें दिए गए हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रॉपिकल रीजन को सबसे अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करता है. तो फर्स्ट ऑप्शन है हॉट एंड ह्यूमिड, सेकेंड ऑप्शन है मॉडरेट टेम्परेचर, हैवी रेनफॉल, थर्ड ऑप्शन है कोल्ड एंड ह्यूमिड और फोर्थ ऑप्शन है हॉट एंड ड्राई. तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि ट्रॉपिकल रीजन में टेम्परेचर भी ज़्यादा रहता है और बारिश भी ज़्यादा होती है. तो ट्रॉपिकल रीजन का जो क्लाइमेट होता है वो हॉट एंड ह्यूमिड होता है. तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन होगा, हॉट एंड ह्यूमिड. आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.